उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने देह व्यापार कराने ले जा रहे कार चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार चालक ने बताया कि वह उसके मालिक के कहने पर युवतियों को देह व्यापार के लिए छोड़ने जा रहा था। कार चालक ने बताया कि उसके मालिक मुंबई और अन्य जगहों से युवतियों को नौकरी का झांसा देखकर उदयपुर बुलवाते हैं और देह व्यापार करवाता है। पुलिस ने आरोपी से 3 युवतियों को रेस्क्यू किया है। कार मालिक राम सिंह इसी तरह के मामले में 10 दिन पूर्व ही जमानत पर बाहर आया है। सुखेर थाना अधिकारी हिमांश सिंह आजाद ने बताया कि सुखेर इलाके में कार में युवक युवतियों को लेकर घूम रहा था, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और कार को रुकवाया तो उसमें 3 युवतियां बैठी हुई थी। जब कार चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम आसिन निवासी प्रभुलाल मेघवाल बताया। उसने बताया कि वह अपने मालिक राम सिंह के कहने पर युवतियों को छोड़ने जा रहा है, जिस पर टीम ने तीनों युवतियों को रेस्क्यू किया और आरोपी प्रभुलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कार सवार युवतियां मुंबई, असम और पश्चिम बंगाल की है और यहां उन्हें बेहला फुसला कर लाया गया था।